हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास 7। दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ 13 चैप्टर ऑफ आपका चैप्टर नेम है बेटा द चाइल्ड्स लेटर, मतलब एक बच्चे का पत्र। ओके देखिए, हैव यू कैन कन्विंस अदर्स, मतलब आप किसी को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, एवरीबडी वॉज अफ्रेड ऑफ द ओल्ड गवर्नर, सभी लोग किससे डरे हुए थे, जो पुराना गवर्नर था उससे डरे हुए थे। बिकॉज ही वॉज सो क्रॉस एंड श्योरली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैसा था, श्योरली था। एंड वन मॉर्निंग, एक सुबह ही वॉज क्रॉसर एंड श्योरलियर देन ईवर, वो और लोगों से भी ज़्यादा क्रॉसर और श्योरलियर था। बिकॉज ही हैड बीन ट्रैवल फॉर सर्वल डेज विद ए मैटर, क्योंकि उसने जो बहुत सारी परेशानियाँ उठाई थी बहुत दिनों से एक मैटर में, एक मामले में, विच ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, जो कि उसने डिसाइड किया था, वट विच मैनी पीपल विश टू हैव रिवर्स्ड, और बहुत से लोग जो क्या कर रहे थे, रिवर्स की मतलब प्रेयर कर रहे थे। अ मैन फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्राइम, एक इंसान मतलब जिसको क्राइम किया हो, जिसने गिल्टी फील किया हो, हैव बीन प्रिजेंट, मतलब उसको छोड़ दिया जाए। एंड देयर वाज दोज हु कन्विंस्ड ऑफ हिज पेनिटेंस, पेनिटेंस मीन द रिपेंटेंस, और वो उसको कन्विंस कर रहे थे। एंड नोइंग दैट इज फैमिली नीडेड हिज सपोर्ट, और उसकी फैमिली को मतलब ज़रूरत के समय सपोर्ट कर रहे थे। ओके, अर्नेस्टली साउट दिस पार्डन, और मतलब एक पार्डन से क्षमा, टू ऑल दिस सॉलिकेशन, मतलब द एक्ट ऑफ ऑप्टेनिंग समथिंग फ्रॉम संबंध, ये सारी चीज़ें जब कोई कर रहा था। द ओल्ड गवर्नर रिप्लाइड, उस गवर्नर ने रिप्लाई किया नो, एंड हैविंग मेड अप हिज माइंड, द ओल्ड गवर्नर हैड नो पेशेंस विद दोज हु परसिस्टेंट इन देयर इंटरसेशंस इन द रिक्वेस्ट, मतलब उससे उसने जो भी मतलब थी ओल्ड गवर्नर था, उसने ये मतलब रिक्वेस्ट नहीं मानी। सो द ओल्ड गवर्नर बजे वाज इन हाई डडग्योन, डडग्योन मीन्स अ डीप रेसेंटेंटमेंट वन मॉर्निंग, तो एक सुबह वो बहुत ज़्यादा उसमें था। एंड व्हेन ही कम टू हिज ऑफिस, और जब वह अपने ऑफिस आया, ही सेड टू हिज सेक्रेटरी, उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा, एडमिट नो वन टू सी हिम, मैं मतलब किसी को देखना नहीं चाहता, आई एम वेरी ऑफ दीज कॉन्स्टेंट एंड सेंसलेस इम्पॉर्टनिटीज, मैं बहुत ज़्यादा कैसा हूँ, सेंसलेस हूँ। ओके, नाउ द सेक्रेटरी हैड ए डिस्क्रीट रिगार्ड फॉर द ओल्ड गवर्नर्स फीलिंग, अब जो सेक्रेटरी थी उसने क्या किया, उसकी जो फीलिंग्स की उसको रिगार्ड किया। And he was seldom that his presence of mind to for distant him is a admit or is suffering an old governor. This is to be disregarded. और उसने उसको बहुत सारी ओल्ड गवर्नर मतलब जो भी वो सफ़र कर रहा था उसको बहुत सारी विशेज दी। ही बोल्टेड द डोर एंड सेट हिमसेल्फ डाउन इन द मॉडेस्ट डेस्क एंड सिमुलेटेड इंटेंस इंथ्यूजेंस इन हिज वर्क, और वो क्या हुआ, वह मतलब बैठ गया और अपना निकाल के वर्क करने लगा। हिज सिमुलेशन वॉज मोर इंटेंस वॉज यूजल फॉर नेबर बिफोर हैड द सेक्रेटरी सीन द ओल्ड गवर्नर इन ए सच ए हार्श मूड, और उसका जो मूड था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा हार्श था, गुस्से वाला था। हैज़ द मेल कम, क्या कोई मेल आया है, वेयर आर द पेपर्स एंड द लेटर्स, और मतलब जो पेपर्स हैं वो लेटर्स हैं कहाँ है, डिमांडेड द ओल्ड गवर्नर, उस ओल्ड गवर्नर ने डिमांड की इन ए ग्रफ वॉइस, ग्रफ मीन्स होता है रफ एंड लो पिच्ड, मतलब एक मतलब रफ में, एक मतलब भद्देपन की आवाज़ में पूछा। हेयर दे आर सर, ये यहाँ पे हैं, सैट द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ने कहा, एज ई पुट द बंडल ऑफ द ओल्ड गवर्नर्स टेबल, और उसने ओल्ड गवर्नर की टेबल पर बंडल रख दिया। देयर आर एड्रेस टू यू प्राइवेटली द बिजनेस लेटर आर ऑन माई डेस्क, यहाँ पे जो लेटर हैं वो प्राइवेट हैं, और जो मेरी डेस्क है उस पर क्या, जो बिजनेस लेटर है, वुड यू लाइक टू सी दैम नाउ, अब आप मतलब कौन से लेटर को पहले देखना चाहोगे, नॉट नाउ, अब नहीं, ग्रॉल द ओल्ड गवर्नर, वो उस पर का, आई विल लीड द पेपर एंड माई प्राइवेट कॉरेस्पोंडेंस फर्स्ट, मैं सबसे पहले किसको, पेपर को और जो प्राइवेट कॉरेस्पोंडेंस लिफ होते ना उनको देखना चाहता हूँ। ओके, बट द ओल्ड गवर्नर फाउंड केस फॉर
Unisys in the employment. The papers discussed in the affair of the imprisoned man and these private letters come from some of the old governor's friends. और जो private letters थे वो कहाँ से थे? कुछ उनके friends के थे, who strangely enough exhibited an interest in the same prisoner's affair. The old governor was highly disgusted. और वो जो old governor था वो बहुत ज़्यादा कैसा था, मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था. दे शुड माइंड देयर ऑन बिजनेस. और वो क्यों क्या चाहता था अपने, मतलब इसमें मर्टर्ड द ओल्ड गवर्नर, वह कैसे बुदबुदाया. द पेपर्स आर वेरी ऑफिशियस. ऑफिशियस मीन्स होता है डोमिनेरियन. वो पेपर बहुत ज़्यादा ऑफिस थे. एंड दीज अदर पीपल वार सिंपली इम्पर्टिनेंट. इम्पर्टिनेंट रूड. और जो लोग थे बहुत ज़्यादा रूड थे. माई माइंड इज़ मेड अप, नथिंग सेल चेंज मी. मेरे दिमाग को अब मुझे इस तरीके से बनाना है कि कुछ भी बदल, मतलब मेरे माइंड को. उन्होंने क्या कहा, माई माइंड इज़ मेड अप, मुझे अपने मतलब माइंड को ऐसा सेटअप करना है कि नथिंग सेल चेंज मी, मतलब मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बदलेगा. ओके, लेक्चर फर्स्ट आपका यहीं पर कम्प्लीट होता. आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू क्लास.